गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि रेसिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरी हैदराबाद की कल दो सेंटर है, हैदराबाद और ऊटी। हैदराबाद की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, 22 मिनट की वीडियो है, लेकिन टिप्स के साथ साथ रेसिंग के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी जो मेरे पास उपलब्ध थी वो आपको देने की कोशिश की है। कई लोग समझ पाए होंगे, कई नहीं समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल खुले और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सभी लोग सूरज एक्सरसाइज करेंगे, और हमने सिर्फ आपको एक टिप्स दी थी डर्बी डे की, और डर्बी की वीडियो भी चेक कर लेना। उसमें हमने कहा था 1, 3 और 7 वन फर्स्ट होगा या 3 सेकंड होगा और 7 थर्ड होगा, रिजल्ट सेम हुआ। और अगर वीडियो को ध्यान से देखी होगी डर्बी टिप्स की, तो हमने कहा था कि अगर 1 फेवरेट होगा तो 3 को खेलना विन, और 3 फेवरेट होगा तो 1 को खेलना विन, ठीक है। और तीनों ही घोड़े ऐसे ही सेम आए, 3 विन हुआ, 1 सेकंड हुआ और 7 थर्ड हुआ, राइट। आगे ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को समझाने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए थे, कॉल्स आ गए थे। अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, इतना टाइम नहीं है क्योंकि स्टडी है, कल 2 रेस है, तो कल उठी की 6 रेस का कार्ड है, बड़े ध्यान से खेलेगा। एक्चुअल में कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर रात को अभी शाम से ही मैसेज आने शुरू हो गए थे। यार, हम पेट टिप्स के चैनल के नाम से जाने जाते हैं और इंडिया के नंबर 1 चैनल है, और अभी भी कह रहे हैं नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नथिंग, बट हम जो देते हैं वो बोर्ड पर आ जाती है, तो हम क्या करें। क्योंकि हमारी, अगर हमारे बारे में आपको जानना है तो हमारी वीडियो चेक करो और ध्यान से सुनो, ठीक है। और पेट टिप्स में सभी का स्वागत है, और हम पेट टिप्स के चैनल हैं और पेट टिप्स ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। आपकी अगर इच्छा है तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में मैं टिप्स एक दो डालता ही रहता हूँ हमेशा। तो कल 6 रेस का कार्ड है, और 6 रेस के कार्ड में देखो, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जिसको एक्सपीरियंस होगा रेसिंग का, जिसको सब कुछ तजुर्बा होगा, वही बता सकता है। आप लोगों को याद होगा कि 28 तारीख को ऊटी में 9 रेस का कार्ड बना था, और उसमें से 3 रेस हुई थी और बाकी 6 रेस विड्रॉ हो गई थी, 6 रेस नहीं हुई थी। तो उन्हीं 6 रेस में से करीब 2 या 3 कार्ड सेम एज इट इज रखे हैं, 2 या 3 कार्ड एज इट इज रख दिए हैं, बट आज की डेट में क्या करे हैं इन्होंने, पहला जो रेस कार्ड है फर्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट बनाया है, इसमें 1-2 घोड़े उस दिन की 1 रेस में से डाले हैं, और सेकंड रेस जो है सेम रेस कार्ड होल्ड कर दिया है, बट यहाँ पर जो उस दिन सेकंड रेस में रिनेगाडे जीता था, उसको यहाँ पर 1 घोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। 1 घोड़ा मतलब रिनेगाडे यहाँ बढ़ा दिया है, और 1 घोड़ा यहाँ से भगा दिया है, मतलब निकाल दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी इसके वजह से दे दिया है, क्योंकि रिनेगाडे पिछली बार जीत गया था, ठीक है। कौन सी रेस की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड रेस की। फर्स्ट रेस बहुत टिपिकल है, ध्यान से खेलेगा, क्योंकि हम पेड टिप्स के चैनल हैं, फिर भी हम आपको रियलिटी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। सेकेंड रेस सेम कार्ड होल्ड है, क्योंकि उस दिन भी हमने आपको टिप्स दी थी, हमारी उस दिन की वीडियो देख कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया था नाइट हंट को ही दिया था शायद, और नाइट हंट ही रहेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ मैंने बता दिया रीजन, थर्ड रेस सेम कार्ड है, बट यहाँ पर भी एक काम किया गया है कि थर्ड रेस आज इट इज़ सेम कार्ड ही है, जैसा पहले था उस दिन जैसा कार्ड था, थर्ड रेस भी वैसा ही कार्ड है सेम। देखो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड रेस का वही कार्ड था, ये देखो, ये रिनेगाडे ने थर्ड रेस का कार्ड जो था उस दिन, जो देखो ये फोर्थ रेस थोड़ी उल्टी बना दी, थर्ड रेस भी ऐसी है, यहाँ पर भी क्या है वो कर दिया इन्होंने, नहीं ये सेम है, ठीक है। थर्ड रेस सेम कार्ड हो गया है जो वहाँ पर उस दिन था, छठा रेस कार्ड, ठीक है। और सातवा जो है ये भी सेम है, तो इसमें सभी को मालूम है माई ओपिनियन और प्राइसलेस गोल्ड के अंदर ही हो जाता काम, क्योंकि 6 ही घोड़े थे, 6 ही घोड़े हैं, अभी भी 6 ही घोड़े हैं। पांचवी रेस थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, क्योंकि
इसमें थोड़े उल्टे सीधे घोड़े डाल दिए हैं, तो ये बड़ी टिपिकल रेस है। ये भी सेम ही है, इसमें खाली एक डार्क सन डाल दिया है जो कि पिछली बार थर्ड रेस में था रामास्वामी का घोड़ा। देखो यहाँ 28 सितंबर को लिखा हुआ भी है, सेवेंथ हो रहा है, राइट। पीएस का भी राज चला रहा है, अब इसी पे ही फोकस करेंगे हम। और लास्ट रेस, क्योंकि हमेशा जब भी रेस कार्ड बनता है या रेसेस बनती है तो बड़ी टिपिकल होती है, और लास्ट रेस उसकी टिप्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये भी एज इट इज सेम कार्ड है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा मिक्स ही है क्योंकि इसके अंदर दो तीन घोड़े मिक्स कर दिए गए हैं, तो इसकी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ कि हैदराबाद में हमने क्या दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ गए, कॉल्स आ गए, सब कुछ आ गए, टीसी पीटीसी जो भी आता है बहुत कुछ बोलते हैं। तो ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस आज भी कहते हैं यार, हमें आज 2 साल हो गए और जो भी देंगे बेस्ट देंगे। पहली रेस में हमने 2 नंबर को दिया था, नाइट टेम्पलर को, ये हमारी गुड बैट थी, और एट दी मोमेंट घोड़ा विड्रॉ हो गया, और हमने लोगों को बता भी दिया था ये 1-2 की बैट छोड़ भी दे रहा, लेकिन 2 ही हमारी गुड बैट है, और सेकंड चॉइस में दे दिया था 3, तो सबको मालूम है, बोर्ड आउट हो गया। और आज की मेरी 22 मिनट की वीडियो चेक करना, उसमें यही रियलिटी फैक्ट बताया है, और मैंने कहा था अच्छे सूरज अच्छे सूरज करेंगे, दोनों ही आज डर्बी के दिन बोर्ड पे उड़ जाएंगे, और ऐसा ही हो गया। तो हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने सिंगल चॉइस की बता रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड रेस हमने सिंगल चॉइस में दिया था, मौसर सभी को मालूम है, और 8 और 5 हमने कहा था, देखो यार अक्षय कुमार सब करेंगे, तो हमारी टीम सभी को मालूम है, छोटे छोटे पंचर्स हैं और सभी जान चुके हैं हम रेसिंग के टिप्स कैसे देते हैं। तो 8 और 5 दोनों ही बोर्ड पे थे, और 8 बहुत अच्छे भाव से था, हमने उसकी प्लेस बोली थी, 8 और 5 दोनों ही बहुत अच्छे भाव से थे। और थर्ड रेस सभी को मालूम है, 5 और 3 दोनों ही हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस एज इट इज थी, सिंगल में 5 था विन प्लेस, ये भी गुड बैट थी हमारी, गुड बैट थी 1347, ठीक है। और फोर्थ रेस में हमने दे रखा था हॉर्स नंबर 3 को, बेला रीना को, अक्षय सूरज नरेडी को, ये घोड़ा हो गया 5th हो गया। और क्योंकि हम जानते हो सभी को कि हम जब कमेंट्री करते हैं तो बड़ी डिफरेंट होती है हमारी, तो हमने इस रेस में सबको कह दिया था टिप्स देने के बाद 1 बजे, वो अगर आपको किसी को शक हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं उसको टिप्स फॉरवर्ड कर दूंगा। बट रीज़न ज़रूर आपको बताना पड़ेगा कि मैं टिप्स फॉरवर्ड करने का क्या कारण है। तो यहाँ हमने सबको कह दिया था कि इस रेस से जैकपॉट शुरू हो रहा है, और यहाँ पर हमारा बड़ा फ्लूक हॉर्स नंबर 7 था, 5 भी था, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2-1-6 था, 3-5-6 था, और 7 था बिग फ्लूक, ठीक है। 1 लाइफ संग तो छोड़ दो, वो तो बोर्ड आउट ही हो गया, राइट। तो यार रेसिंग रूल के हिसाब से जितने घोड़े आते हैं, जब सब कुछ तुमको दे रखा है, और सिंगल चॉइस में भी आउट ऑफ जितनी मैं बता देता हूँ कि कितनी पास हुई कितनी नहीं, और उसके बाद हमारे इसमें 6-2-1 था, और 1 हमारी सिंगल चॉइस थी फाल्कन एज, आप सभी को मालूम है अक्षय ने कैसे डुबाया, और 8 नंबर चुकिट बड़ा फ्लूक था, चुकिट विड्रॉ हो गया, बाकी दोनों घोड़े एज इट इज बोर्ड पे आ गए। क्योंकि जब भी मैं हमेशा रेसिंग के रूल के हिसाब से बताता हूँ, जो फेवरेट होगा उसके आने के चांस होंगे, या तो फिर 100% जाने के भी चांस होंगे। 6 रेस एज इट इज था, 5 नंबर हमारा प्लेस अकाइडो बहुत अच्छा आया, 6 भी हमारे पास था। 7th रेस आपको भी यूट्यूब पे बताया था, पेड टिप्स में भी सेम था, 3-1-7 दर्बी जीती। और लास्ट रेस सिंगल चॉइस में 8 था, 8 विन ही हो गया, और 2 और 11 और 6 चारों ही एज इट इज आए, क्योंकि 11 फ्लूक में था, 11 सेकेंड हुआ, और 2 और 6 थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि वैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड थी, 8-2-6 और 11 था फ्लूक में, रिजल्ट क्या हुआ, 8-11-2-6। दिस इज द रियलिटी ऑफ टिप्स, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस। ओके, अब ज़्यादा दोबारा बोलना मत, क्योंकि अब मुझे नींद रही है, कल 2 रेसेस है और कार्ड होगा। और लास्ट रेस की जो टिप्स आपको बता रहा था बता देता हूँ, उसके बाद फ्री टिप्स अब सिर्फ एक ही रेस की मिला करेगी कल से,
ठीक है। और पेड टिप्स में सभी का स्वागत है। बिल्कुल निस्फिक्र से आ सकते हैं, क्योंकि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आज ठोक बजा के कहता है कि एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पे या पूरी इंडिया में जो कि रेसिंग के टिप्स के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल जेन्यून चैनल है। और अब चार्जेस भी जेन्यून होंगे, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। और आज तक एक बात आपके साथ कंफर्म शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। और रेसिंग की फैक्ट बताता हूँ, आप मेरी वो वीडियो ध्यान से चेक करिएगा कि किस वजह से क्या क्या होता है रेसिंग में। और एक वीडियो बनाऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है यार, इतनी वीडियो आप चेक कर लो। कभी कोई बोलता है रेसिंग में कि इंडिया का नंबर वन चैनल हो और इंडिया का नंबर वन ही रहूँगा रेसिंग में, बिकॉज हम इसमें हमारा 99.9% नहीं 2000% देते हैं, राइट। लास्ट रेस कुछ और मत खेलो, सेफ्टी को खेलो और घर जाओ सेफ हो करके, ठीक है। लास्ट रेस सेफ्टी को खेलो और घर जाओ सेफ हो करके। फिर भी अभी भी कहता हूँ, नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म शॉट, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं सर कन्फर्म तो दे दोगे। आज एक ऐसा मैसेज आया कि सर सर आप, मैं इतना इतना खेलता हूँ, ऐसे ऐसे खेलता हूँ, कई लोगों के रोज ही आते, ऐसे ऐसे खेलता हूँ, मुझे आप प्लस करवा दो, माइनस करा दो, इनटू करा दो, कुछ भी करा दो। मैंने सीधा एक ही रिप्लाई दिया, भैया यह कोई प्लस प्लस माइनस नहीं होता, रेसिंग एक दिन का खेल नहीं है। आज हम काफ़ी टाइम से टूटते रहे और हमारी टीम बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और यहाँ पर मैं न कोई श्योर बताता हूँ ना कन्फर्म, बस मैं अपनी बेस्ट प्रेडिक्शन बताता हूँ और ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ, अपनी स्टडी पे भरोसा करता हूँ। और रेसेस आती है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग प्रसन्न है यार। एक दो रेस आ जाए बड़ी बात है यार, तो सारी रेस की टिप्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आगे किसी का ईगो उसके पास रखे, टिप्स चाहिए और रियल टिप्स चाहिए तो वही लोग संपर्क करें, इधर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सेफ, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।